मुझे मेरे हाथ में आम देख के आप समझ तो गए ही होंगे कि आज मेरी जो रेसिपी है वो इसी से रिलेटेड है। हाँ भाई, आज जो बनाने जा रहा हूँ वो आम की ही रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ मैंगो या आम की, एक मेरे को लगता है एक सिंगल फ्रूट ऐसा है जिसके लाइक मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक मल्टीपल यूसेज हैं इसका। आप एक कच्चे आम से लेके इसको प्रिजर्व करके रखने तक देर आर लाइक एन नंबर ऑफ ऑप्शन, एन नंबर ऑफ रेसिपीज यू कैन मेक फ्रॉम मैंगोज, लाइक आम की चटनी, आम की सब्जी, आम का अचार, आम पापड़, मैंगो शेक, पका हुआ आम, मैंगो आइसक्रीम और भी बहुत सी। अब आप किसी भी रीजन में जाते हो तो उनके मैंगो से रिलेटेड उनकी खुद की बहुत सी रीजनल डिशेज होती हैं। तो आज मैं भी आम से एक सिंगल जो इंग्रेडिएंट्स है आम, इससे मैं तीन डिफरेंट रेसिपीज आपको दिखाऊंगा, तीन डिफरेंट काइंड ऑफ चटनीज मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जिसमें इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है लेकिन टाइप ऑफ कुकिंग और टाइप ऑफ मेकिंग इज डिफरेंट। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो कहा कि मैं तीन डिफरेंट काइंड ऑफ चटनीज आज बनाने जा रहा हूँ, तो पहले मैं एक बार इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दूंगा। इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है सब में, बस एक कुछ एक चेंजेस होंगे। एक चटनी में कुछ एक ऐड ऑन होगा जो मैं आपको बनाते वक्त बता दूंगा। मीन वाइल जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब में सेम है, वो आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले कच्चे आम, कच्चे आम आपको चाहिए होंगे। देन चटनी के बेसिक इंग्रेडिएंट सबको पता है, हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स जिसको हम कहते हैं, हरी मिर्च, कटा हुआ चॉप अनियन है इसमें, ये मिंट लीव्स जिसको पुदीना हम कहते हैं, पुदीना है, नमक, चीनी और ये आप देख सकते हो ये मेथी दाना जो होता है जिसको फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं, इसको पहले मैंने रोस्ट किया है, उसके बाद मैंने इसका पाउडर बनाया है। उसी तरह जीरा जो क्यूमिन सीड्स है उसको भी पहले मैंने रोस्ट किया है, उसके बाद उसको मैंने पाउडर बनाया है। तो आम की चटनी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर होता है तो दैट इज़ मेथी दाना जो होता है, फेनुग्रीक। ये आप आम की रेसिपीज जो होती है मोस्टली सब में ही डलता है। तो ये सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स उसमें हमें चाहिए होते हैं, तीनों टाइप की जो हमारी चटनी है उनमें ये बेसिक है। बाकी कुछ एक चेंजेस हैं जो मैं बनाऊंगा, जो ऐड ऑन है मैं उसमें दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं छील के रख ली है इसको, अभी मैं मिक्सर में पीसूंगा चटनी। तो सबसे पहले मैंने इसमें आम जो है काट के डाल रहा हूँ, पुदीना पत्ती जो है वो ऐड कर दी है, उसके बाद हरी मिर्ची डाल रहा हूँ मैं इसमें, उसके बाद आप इसमें अनियन डालोगे, देन नेक्स्ट इज आप धनिया इसमें ऐड कर दो थोड़ा सा, और अब आप इसी में आप जो ये मेथी का जो पाउडर मैंने बना के रखा है वो डालिए। देन आप इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर जो मैंने रोस्ट करके बनाया है वो आप इसमें डालेंगे। उसके बाद आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए। इसमें आप शुगर इसमें जरूर ऐड करना, चीनी आपको डालनी होती है ताकि वो जो चीनी जो है वो टेस्ट को पकड़ लेती है, अदरवाइज वो खट्टा अजीब सा लगता है। जब उसमें आप थोड़ा सा चीनी आप उसमें मिला देते हो तो उसका वो अच्छे से एकदम टेस्ट को पकड़ लेता है। तो नेक्स्ट इज चीनी। अब नेक्स्ट हमारा काम है इसको पीसना। तो इसको पीसने में थोड़ी सी आसानी हो जाए आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिए और अब इसको आप मिक्सर में चला लीजिए। जो फर्स्ट चटनी की रेसिपी है, जो फर्स्ट काइंड ऑफ चटनी है वो मेरी बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद इसी बनी हुई चटनी से मैं दूसरी रेसिपी बनाऊंगा। दूसरी रेसिपी है, जैसे मैंने आपको बोला था कि सेकेंड रेसिपी में कुछ एक ऐड ऑन होगा तो वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। तो इसमें ऐड ऑन सिर्फ दही हो रहा है और अभी मैंने दही जो है वो फेंट के रख लिया है। इसमें अब मैं थोड़ा सा जो है मेथी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी मिक्स करूँगा। तो दही की क्वांटिटी के हिसाब से जितना दही आपके पास है उसी के हिसाब से इसमें से आधी चटनी निकाल के आप दही में मिक्स कर देंगे।
और इस चटनी को मिक्स कर दीजिए। तो आप देख सकते हो मेरी सेकंड रेसिपी भी, जो दही वाली जो चटनी है आम की, वो भी बनके तैयार हो गई है। और दही वाली चटनी के बेनिफिट ये होते हैं कि आम नॉर्मली हम मानते हैं कि वो गर्म तासीर का होता है, आप अगर उसको दही में मिक्स कर देते हो तो उसकी जो तासीर है वो न्यूट्रल हो जाती है। दिस इज माई थर्ड रेसिपी। इसके लिए मैंने जो मैंगो हैं उनको मैंने 10 मिनट तक बॉईल करके रख लिया है, जिस तरह से आप आम पन्ना के लिए बॉईल करते हो। और अब मैं इनको ठंडे करके इनका पल्प निकाल, आम मैंने बॉईल कर लिए हैं, आप देख सकते हो मैंने छील के रख लिए हैं, इनको मैंने ठंडा कर लिया है। अब जो है मैं इनका पल्प निकालूंगा और पल्प निकालने के बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे। पल्प मैंने निकाल के रख लिया है और इसको अच्छे से स्टिर करके इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बेटर कर लीजिए। अगर आपकी कड़छी से स्टिर करके ना हो तो आप एक बार इसको मिक्सर में चला लीजिए, उससे ये बेटर कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इस तरह से ये होना चाहिए चटनी की जो कंसिस्टेंसी है। चटनी का पल्प हमने बना लिया है, हम अब उसके लिए नमक का जो मसाला है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे पुदीना पत्ती, वो हम मिक्सर में डाल लेंगे, अनियन चॉप्ड अनियन, धनिया, हरी मिर्ची, सॉल्ट, चीनी, मेथी पाउडर और जीरा पाउडर। अब इसमें हल्का सा पानी डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगा। देख लीजिए अभी जो मसाला है जो मैंने तैयार कर लिया है इसको ग्राइंड करके, अब जो है मैं इसको आम के पल्प में मिक्स करूँगा और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। सो चटनी तीनों बनके तैयार है। मैंने जो आपको बोला था मेरी तीन रेसिपीज, और सबसे पहले अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ जो मैंने मैंगो के पल्प से जो चटनी बनाई थी, बॉइल्ड मैंगो के पल्प से। सो दिस इज द वन, यम्मी। उसके बाद दिस इज द रेगुलर चटनी जो मैंने कच्चे आम में पुदीना धनिया मिक्स करके बनाई थी, तो बेस्ट। और थर्ड वन द लास्ट वन, दही वाली चटनी जो मैंने दही में मिक्स करके चटनी बनाई थी, ऑसम। अगर आपको मेरा जो रेसिपीज़ हैं पसंद आ रही हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आते रहें। और अपना ख्याल रखें, थैंक यू।